What's up guys, my name is Danish and welcome back to the channel. So आज की वीडियो में बात करेंगे आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी के बेनिफिट्स के बारे में और इन अदर वर्ड्स आयरिश स्टैम्प 4 के बेनिफिट्स के बारे में। अब यार देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो होता ये है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप स्टूडेंट की तरह आते हो, फिर ग्रेजुएट वीज़ा लगवाओगे, फिर उसके बाद क्रिटिकल स्किल्स, जनरल स्किल्स वगैरह वगैरह, इतनी लंबी जर्नी जो हो जाती है और फाइनली जब आपको स्टैम्प 4 या परमानेंट रेजिडेंसी जब मिलती है तो उसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो स्टैम्प 4 वीज़ा के साथ आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ऑलराइट, सो सबसे बड़ा और सबसे पहला एडवांटेज स्टैम्प 4 का ये है, जब आप क्रिटिकल स्किल्स या कोई भी टाइप का वर्क परमिट लगवाते हो तो यू आर बाउंड बाय दैट, राइट, कि आप कुछ टाइम तक जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ नहीं सकते वगैरह वगैरह, वो स्टैम्प 4 के आने के बाद ख़त्म हो जाती है। राइट, फॉर एग्जांपल आपने जॉब ली ऑन स्टैम्प 4 एंड देन आप सोच रहे हो कि 6-7 महीने बाद नहीं यार मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं पा रहा वगैरह वगैरह, जो भी है मुझे दूसरी किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, आप ऑन द स्पॉट आप स्विच कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी इम्प्लॉयर आपको रोक नहीं सकता, कोई भी इम्प्लॉयर आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपनी वर्क परमिट के बाहर आप रूल्स तोड़ रहे हो वगैरह वगैरह। स्टैम्प 4 पे आपके पास कोई भी ऐसी बाउंड्री, कोई भी ऐसी बॉन्ड वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं होती। कभी भी आप चाहो, कैसे भी आप चाहो, आप अपना इम्प्लॉयर, आप अपनी इम्प्लॉयमेंट स्विच कर सकते हो। ऑलराइट, द सेकंड बेनिफिट ऑफ आयरिश स्टैम्प 4 और आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी इज दैट यू कैन वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब सबको पता है यार, देखो ऑनेस्टली कॉन्ट्रैक्टिंग में लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं, आपको पर आर पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा लेकिन पैसे ज़्यादा कमाते हैं। तो वर्क परमिट पे जो है आप वो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब टू बी ऑनेस्ट कर सकते हो लेकिन वो रिलायबल नहीं है। आप कब तक करोगे, 6-7 महीने, 8 महीने, लेकिन आपकी ड्यूरेशन निकल रही है। आपको एक्चुअल क्रिटिकल स्किल्स पे जंप होना बहुत ज़रूरी है, मगर स्टैम्प 4 पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन आपकी हट जाती है। अब एक ऐसी सिचुएशन आप पकड़ लो कि मान लो आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंट या फिर एक एचआर प्रोफेशनल रीच आउट कर रहा है, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा है या आपके पास जनरल स्किल्स वीज़ा है या आपके पास स्टैम्प 4 है। अगर आप उन्हें बाकी सारी स्टोरी समझाओगे कि आई कैन वर्क फॉर दिस मेनी आवर्स, दैट मेनी आवर्स, आई हैव दैट वीज़ा, आई हैव दैट वीज़ा, स्ट्रेट फोन काट देंगे। उनकी मेजर रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास स्टैम्प 4 होना बहुत ज़रूरी है। नाउ थर्ड बेनिफिट ऑफ आयरिश स्टैम्प 4 इज़ दैट आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। अब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स पहले थे जब वो अपना जॉब में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो वो कहते थे कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन माई ओन बिजनेस, मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे अपना हेल्थ केयर प्रैक्टिस करनी है, मुझे एक्स वाई जेड काम करना है, एनीथिंग। तो वो आप अपने से फॉर एग्जांपल स्टैम्प 2 या स्टैम्प 1 जी पे नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड बेसिकली टू ऑपरेट अ बिजनेस वाइल यू आर ऑन स्टैम्प 2 या स्टैम्प 1 जी, मगर जैसे ही आप स्टैम्प 4 पे जाते हो आप अपना कॉरपोरेशन खुलवा सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप हायरिंग कर सकते हो, आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस आप बिजनेस टैक्सेस दे सकते हो। तो स्टैम्प 4 पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन आपके लिए हट जाती है और जिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो जॉब साइड पे थोड़ा कम है और अपना वो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टैम्प 4 इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब एक नेक्स्ट बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ ऑफ स्टैम्प 4 वीज़ा और आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कि आप जो है अपने एक्चुअल प्रोफेशन के साथ टाइड अप नहीं हो। अब से फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में हो एंड देन आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट एवेन्यूज, आई वॉन्ट टू ट्राई मशीन लर्निंग, आई वॉन्ट टू ट्राई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग बट नॉट डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ टाइड अप नहीं हो, रिगार्डलेस कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपनी मास्टर्स करी है या नहीं करी है, या जिसमें भी आपने करी है, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो फॉर दैट मैटर। जैसे ही आपका स्टैम्प 4 आता है आपकी जो टाइडनेस जो है बेसिकली जो एक आपके प्रोफेशन के साथ टाइड है वो आप नहीं हो, क्योंकि इट्स नॉट अ वर्क परमिट, स्टैम्प 4 इज़ बेसिकली नॉट अ वर्क परमिट, इट्स अ ओपन परमिट, तो आप किसी भी एवेन्यू को एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू आर अ डिजिटल मार्केटर आप डीप लर्निंग कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, नॉट जस्ट टेक्निकल, आप फाइनेंस में जा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, एक आप स्पेसिफिक कोर्स के साथ बाउंड नहीं है। अब एक बढ़िया बेनिफिट मैं आपको एक और बताता हूँ, स्टैम्प 4 पे जितना भी टाइम आप रहते हो, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल सेकेंड इज काउंटेड एज रेकनेबल ईयर्स। अब रेकनेबल ईयर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेकनेबल ईयर्स आपके तब आप काउंट करते हो जब आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। अब से फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट वीजा पे है, यू विल गेट अ स्टैम्प 2, स्टैम्प 2 पे आपने जितना टाइम रहा वो आपके रेकनेबल ईयर्स काउंट नहीं होंगे। अगर आप 1 साल की आपने मास्टर्स करी, किसी किसी केस में 1.5 साल की आपने मास्टर्स करी, इंटर्नशिप करी वगैरह वगैरह, आप स्टैम्प 1 जी पे आए ग्रेजुएट वीज़ा पे, वो पूरा का पूरा पीरियड आपका रेकनेबल ईयर्स में कैलकुलेट होता ही नहीं है। जो 5 साल की जो उनकी विंडो है, 9 ईयर्स में से 5 ईयर्स आपको रेकनेबल देने हैं, तो उसमें स्टैम्प 4 का एवरी सिंगल डे, जब तक आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो,
स्टैम्प 4 के सारे जो आपके डेज, ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, एवरी सिंगल थिंग इज काउंटेड एज योर रेकनेबल ईयर्स। तो जितने ज़्यादा आपके रेकनेबल ईयर्स होगा, उतना जल्दी आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ अ स्टैम्प 4 वीज़ा और आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी इज दैट आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिल सकती है। अब एक बेसिक एग्जाम्पल लाइक छोड़ दो, बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ दो, मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। व्हेन यू आर कमिंग इन एज अ स्टूडेंट, राइट, आप अपनी फीस देख लो, 10,000 यूरो, 15,000 यूरो, 20,000 यूरो, 25,000 यूरो किसी किसी केस में, राइट। जब भी आप स्टैम्प 4 पे जंप करते हो, सेम इंस्टीट्यूट में, सेम कोर्स की, सेम ड्यूरेशन की, अगर आप फुल टाइम प्रोग्राम दे रहे हो या वर्सेस पार्ट टाइम प्रोग्राम दे रहे हो, सेम ड्यूरेशन की कोर्स जो है, जब फीस जो है, आप खुद नोट कर लेना, इट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते वाइल यू आर ऑन स्टैम्प 4, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना चाहते हो, तो देर आर समथिंग कॉल्ड अ स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज विच इज़ एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। जितने पैसे आपको बुक्स में देने हैं, सिर्फ आपको उतने पैसे देने हैं। एनरोलमेंट जीरो फीस, जो ट्यूशन फीस है एब्सोल्यूटली जीरो, ये गवर्नमेंट एजुकेशन है, राइट। तो आप किसी भी कोर्स में, मान लो UCD, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, ग्रिफिथ कॉलेज, DBS, whatever, जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में जो स्प्रिंग बोर्ड एक्सेप्ट करता है, अगर आपके पास स्टैम्प 4 है, राइट, तो आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो फॉर अ PG डिप या पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा प्रोग्राम, एंड दैट कॉस्ट यू $0, लाइक 0 euros, कोई आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा। अब लास्टली आई विल गिव यू सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ आयरिश स्टैम्प 4 और आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी। अब से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ स्टेबल इन आयरलैंड, राइट। अब आप चाहते हो कि यार मुझे कार लोन, होम लोन वगैरह वगैरह, कुछ बिजनेस लोन, कुछ इस टाइप से कुछ चाहिए, राइट। तो बैंक्स की नज़र से एक बार के लिए आप देखना, या प्राइवेट लेंडर्स की नज़र से एक बार के लिए देखना, अगर एक बंदा मेरे पास आ रहा है कि यार आई जस्ट हैव अ ग्रेजुएट वीज़ा, आई हैव अ क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा, आई हैव अ जनरल स्किल्स वीज़ा, आई हैव अ वर्क परमिट, एनी टाइप ऑफ वर्क परमिट, और मुझे होम लोन लेना है, राइट, तो उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि यार क्रिटिकल स्किल्स विल एक्सपायर, आज नहीं तो कल, 3-4 साल, 2 साल जो भी है, दैट विल एक्सपायर, उसके बाद आप घर जा सकते हो, राइट। मगर स्टैम्प 4 जो है वो एक लॉन्ग स्टे वीज़ा, एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है, राइट। तो उस पे देर आर मोर चांसेस कि आप अपने आप को आयरलैंड में ही स्टेबल करना चाहते हो। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो फ़र्क होता है, वो चांसेस हैं कि आपको स्टैम्प 4 पे रिलेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ होम मॉर्गेज और ऑटोमोबाइल मॉर्गेज, जैसे कि गाड़ी लोन लेना चाहते हो या बाइक लोन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, दे वुड बी स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू जब आप यू नो स्टूडेंट वीज़ा पे या ग्रेजुएट वीज़ा पे आप यू नो अपना लोन या अपनी फाइनेंसिंग करवाना चाहते हो। तो फाइनली एक बड़ा स्टैम्प 4 का एडवांटेज या बेनिफिट ये भी है कि व्हेन यू आर ऑन स्टैम्प 4, राइट, व्हेन यू आर ऑन अ परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ आयरलैंड, तो आपके PRSI स्टैम्प्स अच्छे खासे इकट्ठे हो चुके होते हैं। तो जब आपको बेसिक चीज़ें, मेडिकल यू नो फैसिलिटीज़ अगर लेनी होती है ना, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आई चेकअप करवाना है, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे से फॉर एग्जांपल यू हैव टू पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, वर्सेस स्टैम्प 4 पे वो किसी किसी केस में फ्री भी हो जाता है, बस आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। बट ये एक स्टैम्प 4 का जो है वो एडवांटेज है, एक बेनिफिट है, तो यू कैन अवेल दैट एज वेल। जो जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेक सेवर की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपके यू नो यू हैव इक्वल या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ PRSI स्टैम्प्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट आई चेकअप। किसी किसी केस में आप हियरिंग यू नो हियरिंग एड्स के लिए भी आप अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ वीडियो क्लोज करने से पहले, इफ यू आर कम्प्लीटली ब्रांड न्यू टू व्हाट इज आयरिश स्टैम्प 4, व्हाट इज आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी, इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू गेट दैट, आई लिंक अप अ वीडियो जो आपको एग्जैक्टली सारे के सारे स्टैम्प्स के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी कि स्टैम्प, व्हाट इज स्टैम्प 4, हाउ कैन यू अप्लाई, क्या ड्यूरेशन है, क्या कॉस्टिंग है वगैरह वगैरह। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड अंटिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।